नमस्कार, स्वागत है आपका लीड इंडिया न्यूज में और मैं हूं ज्योति मनराल आपके साथ। आज की इस खास खबर में हम बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा आज से शुरू किए गए एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि देश के सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक गुड न्यूज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में हमेशा से ही कई ऐसे नियम कानून, बड़े बदलाव और स्कीमें लागू की गई हैं जिससे इकोनॉमी आगे बढ़े और मजबूत हो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए बदलाव के बारे में, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आज से लागू किया गया है, जिसका मकसद ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन देना है। दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज से ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी, जिससे उन ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा होगा जिनके कड़े परिश्रम से देश तरक्की कर रहा है। वैसे बात की जाए तो देश की कई संस्थाएं इनकम टैक्स सिस्टम को खत्म करने की मांग हमेशा से करती रही हैं। इसी दौरान एक बार बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन नहीं बल्कि कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। कई एक्सपर्ट्स ने भी यह मांग हमेशा से की थी कि टैक्स पेयर्स को खास सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि और डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती हैं। तो इसीलिए टैक्स सिस्टम को इजी करने के लिए एक नए सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। इसी मौके पर आज पीएम मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के नए टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। फिलहाल कुछ फैसिलिटीज अभी से लागू हो गई हैं, बाकी की पूरी सुविधा 25 सितंबर से लागू होगी। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नई प्रणाली के बारे में बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सभी ईमानदार टैक्सपेयर्स को विभिन्न तरह की छूट मिलेगी और सभी के साथ जस्टिस होगा। तो फिलहाल आज की इस खास खबर में इतना ही। बाकी की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए लीड इंडिया न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।